क्यूट गबा है, हमारा क्यूट क्यूट गबा, लड़ना नहीं है मेरे साथ, लड़ा नहीं करो, इधर देखो कैमरे की तरफ देखो, कैमरे की तरफ देखो, बोलो सब्सक्राइब करो चैनल को, बोलो दोस्तों को, बोलो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये तो बहुत ख़राब हो गया काम, बहुत ख़राब हो गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है, खैरियत से हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम है, शुक्र है। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। व्लॉग को शुरू करते हैं, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्या करने वाले हो छोटे भोले भाई? भाई अभी यहाँ से घास उठाएगा, घास उठा के बकरी और गाय को घास डालना है, यही करना है ना। ये देखें माशाल्लाह सूरज निकल रहा है, सुबह सुबह का टाइम है। अभी पहले पहले जो हमारा काम होता है जानवरों का होता है, ये कर लेते हैं। बस ये देखें, ये नर खजूर का बीज होता है, ये इसमें पाउडर होता है सफ़ेद वाला, तो ये मादी खजूर के सिप्पी में ऐसे लगाना पड़ता है, तो वो फिर उसका खजूर सही होता है, समझो कि ख़राब नहीं होता। छोटे भोले भाई बग़ैर रस्से के खजूर के ऊपर चढ़ गए, देखें इसके हाल देखें। रस्सा हो तो आदमी महफूज होता है इसमें, लेकिन ये बच्चों वाले हरकतें करता है अभी तक। सुकून से आ जाओ, सुकून से। मुल्क में ऐसा चलाना, मुल्क में छोटे थे ना उस वक्त, वज़न भी कम था, अभी तो वज़न ज़्यादा है। ये टांग के नीचे जो छोटा ये टूट जाए तो आदमी नीचे गिर जाएगा। यहाँ पे एहतियात लाजम होती है। ये देखें, इसको बोला था कि माल्ट लेके आना, ये गया और अनार लेके आ गया। ये फीके होते हैं, मीठे नहीं होंगे, देखना चेक करूँ। हाँ चेक करो, खट्टा होगा, खट्टा है, खट्टा है, खट्टा है, मेरे को पता है। मीठे से ज़्यादा ये खट्टा है अभी। वजह दोस्तों, ये थोड़े कपड़े हैं, ये धोने हैं, हमारी जो वॉशिंग मशीन है वो ख़राब हो चुकी है। अभी इसको बाल्टी में भिगो के रखेंगे, सर्फ डाल देंगे, तो घंटे दो के बाद ये थोड़े साफ़ हो जाएंगे। आज मौसम जो है वो काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है, देखें कितना हवा चल रही है पूरी। हमारे जो जानवर हैं, बकरी है, गाय है, भेड़ है, इनका जो वंडा है वो वंडा ख़त्म हो चुका है। तीन दिन हो चुके हैं बोल रहे हैं कि वंडा लेके दो जानवरों के लिए, अभी तक वंडा नहीं आया। ये बच्चे इंतज़ार में होते हैं कि कोई आदमी नज़र आ जाए, फिर ये आवाज़ करने लगते हैं कि आओ दूध पिलाओ, दूध दूध पिलाएँगे, थोड़ी थोड़ी बात सबर करो थोड़ी। यहाँ पर हमारे जानवरों को जो है घास डाला जा रहा है। घास यहाँ पर जो होता है ये सूखा घास होता है बिल्कुल। इस गाय के आप तमाशे चेक करें, यहाँ पे इसको बंद किया हुआ है और ये उस बर्तन के उस साइड में जाके खड़ी हो जाती है, इस साइड में खड़ी नहीं होती अपनी जगह पे। इस गाय की जो है तबीयत ख़राब थी, तो इसका पेट ख़राब था, डॉक्टर आया था, एक इंजेक्शन इसको लगाया था, तो एक पाउडर वाली दवाई पिलाई थी। अल्हम्दुलिल्लाह से अभी ये ठीक है, खाना भी अच्छे तरीके से खाती है और पेट भी इसका भी सही है। खाना खाने का स्टाइल देखें इसका, पूरा अंदर से बहर में खाना गिरा देती हैं, फिर उसके ऊपर पाँव रख के उसको ख़त्म कर देती हैं, यहाँ ख़राब कर देती हैं, फिर उसको खाती नहीं है। ये पूरी भेड़ें खजूरों के लिए रो रही हैं, इनको खजूर चाहिए। अभी इनके आगे घास डाला है लेकिन घास नहीं खा रही, जब तक खजूर नहीं खाएंगी। चलते हैं इनके लिए खजूर लेके आते हैं, वरना हमारे सर का दर्द ख़त्म नहीं होगा इनकी आवाज़ से। यहाँ पे टोनी पड़ा हुआ है, खजूर लेके आ चुका हूँ मैं। 20 किलो इसमें खजूर आता है, एक कार्टन वहाँ भरा हुआ रखा हुआ है। 40 किलो खजूर डालते हैं जानवरों को रोजाना हम। हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ। ओ भाई, अभी मेरे पांव के ऊपर चढ़ गई है सारी। इसको थोड़ा सीधा करने दो, जल्दी जल्दी नहीं होगा ये तुम्हारी, सीधा करने दो, सीधा। बस अभी आओ, खाओ खाओ। यार मेरे तो पाँव के ऊपर चढ़ गई है पूरी भेड़ें। यहाँ बकरी के बच्चे बहुत आवाज़ कर रहे हैं, यार इनको निकाल देना चाहिए अभी, क्योंकि टाइम हो चुका है इनको निकालने का। ये बेचारे अंदर में बहुत आवाज़ कर रहे हैं। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अभी उनको खजूर डालना बाकी है, इसलिए दरवाजे के ऊपर खड़े हुए हैं, पूरा इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन इनका ये बर्तन टूटा हुआ है, इसकी टाँगें यार टूट गई दोनों साइड से, अभी ये सीधा भी नहीं बैठता, इसमें डालेंगे खा लेंगी। ये हमारा गाबा देखें उतावला हो रहा है खजूर खाने के लिए, खजूर मैं लेके आया हूँ ना, इसमें इसका खजूर डालेंगे। कितना चाहिए, काफ़ी है? नहीं, और चाहिए? अच्छा और भी देते हैं तुमको, खाओ खाओ। इसको बड़ा कर रहे हैं जल्दी से, ये फिर गाय के लिए हम रखेंगे नर, क्योंकि ये अच्छी नस्ल का है। अभी देखें जो खजूर है इसको काफ़ी, अल्हम्दुलिल्लाह खजूर, क्योंकि जानवरों को ताकत देता है और मोटा भी करता है। ये सामने से सूरज की लाइट है, देखें ये इधर से।
अब जो है सबको खजूर डालने के बाद देखिए कितना खामोशी हो चुकी है। ये सब खजूर के पीछे आवाज़ करते हैं, बाँ 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 मे मैं ऊँ करते रहते हैं हर चीज़। अभी खजूर खा लिया है, अभी थोड़ा हमारे भी दिमाग को सुकून आ गया है। यहाँ पे बकरी को पकड़ते पकड़ते 2 मिनट लग गए हम दोनों को। ये एक तो हाथ में नहीं आती, बकरी छोटी सी है लेकिन दौड़ती बहुत तेज़ है, क्योंकि छोटे बच्चों को हमने दूध पिलाना होता है, इस वजह से इसको सुबह सुबह पकड़ना पड़ता है और शाम को भी पकड़ के दूध पिलाते हैं बच्चों को। ये दोनों को छोड़ दो, दोनों साथ में पी लेते हैं। ये वाला पिया हुआ है, 20 को दिया ना। अच्छा उसने पिया हुआ है सफेद वाले ने, सफेद वाले को पी। तो फिर ये साइड में यार क्यों खड़ा हुआ है, ये तो अपनी माँ का दूध पीता है ना, ये जाओ कभी पीने लग जाता है फिर। जाओ अपनी माँ का दूध पियो तुम, वो दो हैं उसका दूध पियेंगे। यहाँ पे इस बच्चे को बंद किया हुआ है, इसका पेट जा रहा है बिल्कुल, पानी बिल्कुल मार रहा है पेट से, इसलिए इसको बंद किया हुआ है दवाई पिला के। अभी देखें आवाज़ कैसे कर रहा है। यहाँ पे रोटी के हैं छोटे छोटे टुकड़े किए हैं हमने, ये मुर्गी के बच्चों को डालेंगे और बत्तख को भी डालेंगे। ये बेचारी आवाज़ कर रहे हैं क्योंकि इनके खाने का टाइम हो चुका है। बत्तख को देखते हैं, बत्तख का क्या सूरत हाल है। हाँ बत्तखें कैसी हो, ठीक हो, हैं आओ खाना खाओ, ये लो खाओ, ये लो खाओ, अभी बत्तखें थोड़ी बड़ी हो गई हैं ना, अभी खा लेती हैं दाने जितना इतना वो खा लेती हैं। इनका यार अंडा कौन ले गया था पता चला? पता नहीं यार कौन ले गया। यहाँ पे यार एक अंडा दिया हुआ है मुर्गी ने, आज एक अंडा सुबह सुबह के टाइम में, शाम तक 2-3 और भी आ जाएंगे इंशाल्लाह। अरे इनको जो बीज डाल दिया है वो देखें, पाँव मार के पूरा बीज गिरा दिया है। ये ऐसे खाते हैं, नीचे से खाते हैं, किसी छोटे से बर्तन में डालें वो नहीं खाएंगे। पानी भी रखा हुआ है, अभी इनको दाना भी डाल दिया है। उस जगह पे जो मुर्गी अंडे दे रही थी, एक अंडा रखा था, 2 अंडे हमने परसों वाले दिन उठाए थे, अभी चेक करते हैं अंडे और भी हैं या। अंडे तो माशाल्लाह दिए हुए हैं जी, अभी 3 अंडे दोबारा से हो चुके हैं। देखें यहाँ पे मुर्गी अंडे दे रही है, अभी 2 अंडे उठा लेते हैं, एक पहले वाला उठाते हैं क्योंकि वो ख़राब ना हो जाए यहाँ पर रखे रखे, एक रहने देते हैं यहाँ पर, 2 उठा लेते हैं। ये एक देख के फिर यहाँ पर अंडा देगी, एक अंडा वहाँ से उठाया और 2 अंडे ये हो गए, अभी 3 अंडे आज की डेट में हो गए, शाम तक इंशाल्लाह 2 और भी आ जाएंगे, 5 अंडे हो जाएंगे टोटली। ये यहाँ दौड़ के मुर्गी एक आती थी, मैं बोलता था कि ये शायद भूखी है, यहाँ आके अपना दाना तलाश करती है। मेरे ख्याल में आती थी वहाँ पे अंडा देने के लिए, ये देखे जानवरों के अंदर जाके उधर जाके अंडा देती थी। अभी मैंने देख लिया इसकी जगह, अभी देती रहो यहाँ से मैं उठाता रहूँगा। हा हा वो देखे टोनी भाग के आ रहा है यहाँ पे, आ जाओ टोनी आ जाओ, बस बस टोनी इधर आ जाओ, छोटे टोनी तुम आ जाओ। ओ यार ये क्या हो गया, मोहसिन भाई बोले भाई ये तो मादी है यार, हाँ ये तो मादी है, तुमने बोला था ये नर है, ये तो मादी है। नहीं यार टोनी काम दे इसका। वो जिस दोस्त ने दिया था वो बोला कि ये नर है, लेकिन ये देखें ये तो मादी है, ये तो मादी है यार। अरे खड़ी हो जा, ये 2 महीने के बाद हमने देखा है इसको, ये मादी है। तुम कैसे मादी हो गया है, नाम तो तेरा टोनी था, ये क्या है अभी, क्या करेंगे इसका शीतल है। अभी ये तो टोननी बन गई, टोनी नहीं रहा अभी, टोननी वो जैकी नर है और ये मादी हो गई यार। ये क्या हो गया सब कुछ, आज पता चला हमें 2 महीने के बाद इसकी असलियत हकीकत सामने आई है। चेंज करेंगे हम लोग, अभी इसको छोड़ भी नहीं सकते कहीं पे, ये बेचारी छोटी सी है, क्या करेंगे इसका। आज तक हमने तो तवज्जो ही नहीं दी कि ये नर है या मादी है, उसने बोला ये नर है, हमने बस छोड़ दिया इधर। ये सारा दिन भागती रहती है इसकी, ये बड़ी होगी फिर अपनी नस्ल बढ़ा देगी यहाँ पे, फिर क्या करेंगे इसको। ये बहुत परेशानी वाली बात हो गई, ये तो बहुत ख़राब हो गया काम, बहुत ख़राब हो गया। हमने इसको नर समझे रखा, अभी तक 2 महीना हो रहा है, कभी तवज्जो ही नहीं दी। ये तो आज मैंने देखा ये उल्टी हो गई, मैंने देख लिया, ये क्या होगा अब तेरा टोननी, कहाँ से आ गई तू। तो ठीक है दोस्तों, इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल नए व्लॉग के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।